हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस व्हिच आर आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स मेनी टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बेड ऑफ रोजेस, जिसका हिंदी मीनिंग होगा फूलों की सेज, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। नेक्स्ट है ए ब्लैक सीप, यानी कि बदनाम व्यक्ति या काली भेड़, इसको इंग्लिश में कहेंगे अ मीन फेलो। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ होगा अप्रत्याशित कष्टकारक घटना, यानी अ सडन सैड इवेंट। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसको हिंदी में कहेंगे झगड़े की जड़, इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो कहेंगे काज ऑफ डिस्प्यूट। ए बोटल नेक मीन्स रुकावट, इंग्लिश में इसको कहेंगे हिंड्रेंस। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, यानी कि छिपा रुस्तम, इंग्लिश में इसे कहेंगे अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है अ फेयर वीदर फ्रेंड, इसका अर्थ होगा सुख का साथी, इंग्लिश में कहेंगे कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स। नेक्स्ट है अ फीदर इन वन्स कैप, यानी कि इसका अर्थ होगा सम्मान, इंग्लिश में कहेंगे डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है अ फूल पैराडाइस, इसका अर्थ होगा मूर्ख का स्वर्ग या कल्पित भावना, इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द है यूटोपिया। नेक्स्ट है अ गोल्डन मीन, यानी कि मध्यम मार्ग, इसको कहेंगे मिडल कोर्स बिटवीन टू स्ट्रीम्स। ए गुड डील, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट है अ हरकुलियन टास्क, यानी कि साहसिक कार्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे डेयरिंग डीड। नेक्स्ट है अ हॉनेस्ट नेस्ट, ए हॉर्नेट नेस्ट, इसका अर्थ होगा बर्रों का छत्ता या परेशानी का कारण, इंग्लिश में कहेंगे काज ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट है अ हॉर्स लॉफ, इसको कहेंगे व्यर्थ की भद्दी हंसी, इसको इंग्लिश में कहेंगे अ कोर्स अनमीनिंग लॉफ। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, यानी कि झूठा बहाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे अन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है अ लाइन शेयर, इंग्लिश में इसको कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसका अर्थ होगा सबसे बड़ा भाग, इंग्लिश में इसे कहेंगे ग्रेटेस्ट शेयर। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब होगा प्रख्यात लेखक, इंग्लिश में इसको कहेंगे ए फेमस राइटर। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको हिंदी में कहेंगे कमजोर व्यक्ति, इंग्लिश मीनिंग होगा ए मैन ऑफ पुअर विल। नेक्स्ट है अ रेनी डे, मतलब कि आवश्यकता, इसको इंग्लिश में कहेंगे नीड। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, मतलब कि स्वर्णिम दिवस, इसको इंग्लिश में कहेंगे इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन, का मतलब होगा बेपेंदी का लोटा या अस्थिर व्यक्ति, इंग्लिश में इसको कहेंगे अ फिकल माइंडेड पर्सन। नेक्स्ट है अ सैडी डील, इसका मतलब होगा बेईमानी, इंग्लिश में इसको कहेंगे डिसहोनेस्ट और क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है अ स्क्वायर डील, इसका मतलब होता है निष्कपट व्यवहार, इंग्लिश में इसको कहेंगे फेयर बार्गेन। नेक्स्ट है अ स्क्वायर मील, इसका मतलब होगा अच्छा और संतोषजनक भोजन, इंग्लिश में इसको कहना चाहें तो कहेंगे अ गुड एंड सेटिस्फाइंग मील। नेक्स्ट है अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, इसका मतलब होगा अयोग्य होना, इंग्लिश में इसको कहेंगे अनडिजर्विंग। नेक्स्ट है अ टर्न कोट,
मतलब कि दल बदलू, इंग्लिश में इसको कहेंगे वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल, या इसका दूसरा मीनिंग होगा रेनिगेट। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट, यानी कि परेशान करने वाली वस्तु, इंग्लिश में इसको कहेंगे अ ट्रबलसम थिंग। नेक्स्ट है अ व्हाइट एलिफेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हिंदी मीनिंग होगा इसका सफ़ेद हाथी, इंग्लिश में इसको कहेंगे समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। नेक्स्ट है एबव बोर्ड, यानी कि स्पष्ट, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्लियर। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर, यानी कि स्पष्ट करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे एक्सप्लेन। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, बहुत ही फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब होता है समझ से बाहर, यानी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, इंग्लिश में इसको कहेंगे हैविंग फुल पावर। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, इसका मीनिंग होगा प्रत्येक बिना किसी अपवाद के, इंग्लिश में इसको कहेंगे एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होगा झगड़े की जड़, इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रीड, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेल्फिश मोटिव टू सर्व। नेक्स्ट है एन ओपन सीक्रेट, यानी कि खुला रहस्य, इंग्लिश में कहेंगे ऑलरेडी नोन। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी अति प्रिय, इंग्लिश में कहेंगे वेरी डियर। नेक्स्ट है एट ए लॉस, यानी कि चिंतित, इंग्लिश में इसको कहेंगे वरीड। नेक्स्ट है एट ए स्टोन थ्रो, यानी कि अति निकट, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्वाइट नियर। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, यानी कि दूर, इंग्लिश में कहेंगे इसको एट अ डिस्टेंस। एट डैगर्स ड्रॉन, घोर शत्रुता पर, इंग्लिश में इसको कहेंगे होस्टाइल। एट होम इन, यानी कि निपुण, इंग्लिश में इसको कहेंगे एक्सपर्ट। नेक्स्ट है एट लार्ज, यानी कि मुक्त या खुला या छुट्टा, इंग्लिश में इसको कहेंगे फ्री। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड, यानी कि अच्छी तरह याद होना, इंग्लिश में इसको कहेंगे बी मास्टर ऑफ। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, यानी कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, इंग्लिश में इसको कहेंगे एक्ट फूलिशली। नेक्स्ट है एट रैंडम, यानी कि बिना किसी निश्चित उद्देश्य के, इंग्लिश में इसको कहेंगे विदाउट अ डेफिनेट एम। नेक्स्ट है एट सी, यानी कि परेशान, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा परप्लेक्स। नेक्स्ट है एट सिक्सेज एंड सेवेंस, एट सिक्सेज एंड सेवेंस, यानी इसका हिंदी मीनिंग होगा तितर बितर, इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होगा स्कैटर्ड। नेक्स्ट है एट द एलेवेंथ आवर, यानी कि अंतिम क्षण पर, अंतिम क्षण में, इंग्लिश में इसको कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है एट टाइम्स, यानी अपने समय पर, इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑफ हिज ओन टाइम। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस समाप्त होते हैं, और अगली क्लास में आगे के आइडियम्स फ्रेजेस आपके समक्ष डिस्कस किए जाएंगे। ये आइडियम्स फ्रेजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में दो दो तीन तीन चार चार बार रिपीट करके पूछे जा चुके हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और ये आइडियम फ्रेजेस आपके एसएससी
जो है SSC एग्ज़ाम, UP ट्रिपल SC एग्ज़ाम, UPP या बैंक, अनेक एग्ज़ामों में आपके काम आएंगे। चाहे बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप SSC हो, CHCL हो, CGL हो, ये सभी एग्ज़ाम्स में काम आपके जो हैं अच्छी तरीके से आपकी मदद करेंगे। और आने वाली क्लासेस में हम आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और कुछ वन वर्ड्स जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और दो दो तीन तीन चार चार बार रिपीट करके पूछे जा चुके होंगे, उनके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप जो है इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जो है क्रम वाइज जो है वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।